Hands up. Raj! इसे ढूंढ रहे हो दादा? मैंने सोचा मेरे लिए ही तो लाए हो, क्यों ना खुद ही निकाल लूं। तुम्हें चाहिए तो 10-20 दूं। बाय बाय। मरी नहीं मां, तुझे मार डाला गया। कैसे बना 40 का दशक बॉलीवुड का सुनहरा एरा? किस गाने ने बनाया था जेल यात्रा फिल्म को यादगार? किस फिल्म में सुनने को मिली हमें राज कपूर की आवाज? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। जिस साल भारत को आजादी मिली, हिंदी फिल्म उद्योग, जिसे अब बॉलीवुड के रूप में जाना जाता है, पहले से ही जीवन था। वास्तव में 1930 के दशक के तक बॉलीवुड कुछ उस मुकाम तक पहुंच चुका था जब एक वर्ष में 200 फिल्मों का निर्माण कर रहा था। भारत के विभाजन से पहले बॉम्बे फिल्म उद्योग को लाहौर फिल्म उद्योग से जोड़ा गया था। 1940 के दशक में लाहौर से कई अभिनेता, फिल्म निर्माता और संगीतकार बम्बई चले गए। उनमें से प्रमुख थे अभिनेता गायक कुंदन लाल सहगल, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद। पलायन करने वाले गायक मोहम्मद रफी, नूरजहां और शमशाद बेगम थे। इन सभी ने बॉम्बे फिल्म उद्योग को समृद्ध किया। जेल यात्रा 1947 में रिलीज एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसे गजानन जागीरदार ने निर्देशित किया है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में कामिनी कौशल, राज कपूर, सुनालिनी देवी, बद्री प्रसाद, जगदीप, हरीश और विक्रम कपूर थे। फिल्म में संगीत नीनो मजुमदार ने दिया और गीत मूर्ति चतुर्वेदी और सज्जन नरेंद्र शर्मा ने लिखा। और बॉलीवुड प्रेमी आने वाले वर्षों के लिए इस समय के शौकीन बने रहेंगे। 1940 से 1960 के बीच का युग हमें बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्में देता है और इसी युग में से फिल्म है जेल यात्रा। भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग को भी चिन्हित किया, जिसमें कुछ सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्में, प्रसिद्ध अभिनेता और बॉलीवुड के मधुर साउंड ट्रैक थे। ये फिल्में नियमित रूप से मजदूर वर्ग और स्वतंत्रता के बाद के भारत के राष्ट्रीय भ्रम के साथ लगी हुई थी। फिल्म उद्योग और इसके साउंडट्रैक दोनों ने देश के अंदर नए नए बने भारत देश को लेकर प्यार जगाया। लेकिन इसी समय आई एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीयों को हंसना सिखाया और वो फिल्म है जेल यात्रा। लेकिन फिल्म में चार चांद लगाए फिल्म की प्रमुख जोड़ी कामिनी कौशल और राज कपूर ने। राज कपूर आज के जमाने के दर्शकों के लिए चाहे रणबीर कपूर के दादाजी जो, लेकिन एक समय में राज कपूर ही बॉलीवुड के सबसे टॉप के एक्ट्रेस में से एक थे। रणबीर राज कपूर, जिन्हें राज कपूर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और भारतीय सिनेमा उद्योग में फिल्म निर्देशक थे। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा और मनोरंजन के इतिहास का सबसे बड़ा शोमैन माना जाता है। उन्हें कई प्रशंसा मिली, जिसमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारत में 11 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी राज कपूर के नाम पर है। वह अपनी फिल्म 1951 की आवारा और बुट पॉलिश के लिए कॉन फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और भव्य पुरस्कार के लिए 2 बार के नामांकित व्यक्ति थे। आवारा में उनके प्रदर्शन को टाइम पत्रिका द्वारा सभी समय के शीर्ष 10 महानतम प्रदर्शनों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। उनकी फिल्मों ने दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित किया, खासकर एशिया और यूरोप। लेकिन जेल यात्रा में हमने देखने को मिला राज कपूर का डार्क कॉमेडी करते हुए एक अलग ही अंदाज। राज कपूर को कॉमेडी के लिए खासकर जाना जाता है। राज कपूर को फिल्म आलोचकों और फिल्म प्रशंसकों दोनों द्वारा उनके अलग मजाकिया अंदाज के लिए सराहा गया है। फिल्म इतिहासकार और फिल्म शौकीन उन्हें भारतीय सिनेमा के चार्ली चैपलिन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अक्सर एक जोकर या फिर एक मजाकिया आदमी जैसी आकृति को चित्रित किया था, जो कैसे ही हालात होने के बावजूद भी हसमुख और ईमानदार था। उनकी प्रसिद्धि दुनिया भर में फैली। लेकिन जेल यात्रा में हमें राज कपूर का एक अलग टैलेंट देखने को मिला और वो है गायक। यह एक जानी मानी बात है कि राज कपूर एक संगीत के इच्छुक निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने विशेष रूप से आर के बैनर के तहत निर्मित और निर्देशित फिल्मों में गीत रचनाओं की सभी पहलुओं की व्यक्तिगत रूप से देखरेख की। लता मंगेशकर ने इंडियन एक्सप्रेस
एक्सप्रेस से बातचीत में भी कहा था कि राज साहब एक पूर्ण संगीतकार थे। उन्होंने तबला, हारमोनियम और पियानो बजाया। उन्होंने पेशेवर पार्श्व गायकों को सौंपने से पहले गीतों की रचना की और उन्हें अपनी आवाज में गाया। वे आसानी से अपनी फिल्मों में संगीत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मों में संगीत का श्रेय नहीं लेने का फैसला किया। यहाँ तक कि राज कपूर ने खुद अपनी आत्मकथा में कहा था कि शुरुआती दिनों से मुझे संगीत में दिलचस्पी थी। तो कौन सा गाना गाया था राज कपूर ने जेल यात्रा में? गाने का नाम था पिया मिलने नवेली। इस गाने को नीनू मजूमदार और मीना कपूर ने गाया है। सज्जन गीतकार हैं। फिल्म को दर्शकों ने काफी प्यार दिया और साथ ही इस फिल्म से शुरू हुआ राज कपूर और कामिनी का फिल्मी करियर। आगे जाकर राज कपूर इतने मशहूर और कमाल के एक्टर बनने वाले थे, ये कौन जानता था। लेकिन इस फिल्म से हमें उनकी शुरुआती झलक मिलती है, जो आज तक इतिहास के पन्नों पर सुनहरे शब्दों में लिखी जाती है।